प्लीज ये मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा यार, नहीं तो बीच में है ना दिक्कत होती है। हमने भी साइलेंट कर लिया। ओके, सबसे पहले आप सब लोगों को गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप जान रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं कुछ है, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में है क्या और कितना लगने वाला है। बहुत से लोग, एक तो सबसे पहले ये समझ लें, जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की, किसी भी चीज की, मुझे याद है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि साहब जब आप एंक्रोचमेंट हटाते हो तो जो ये जैसे और देशों में होता है, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हो, रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं भाई पूरे देश की, तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में लगा हुआ। जेएनके अपने आप में सबसे लास्ट स्टेट या यूटी है जिसमें ये एनफोर्स किया गया है। किसी भी म्युनिसिपैलिटी की आय का एक मुख्य साधन जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आप देखेंगे कि जनरली जो म्युनिसिपैलिटी के जो काम होते हैं, निकलोगे तो साफ सफाई होगी, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी एसेंशियल काम है वो म्युनिसिपैलिटी के दायरे में आते हैं, और म्युनिसिपैलिटी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसकी एक आय का एक साधन होता है प्रॉपर्टी टैक्स। और ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जिसमें आप जो गरीब होता है, मतलब आप ऐसा नहीं लगते सब पे एक समान लगाते हो, जो गरीब होता है उस पे कम लगता है और धीरे धीरे उसके हिसाब से बढ़ता है। सबसे पहले जनाब ये कोई नई चीज नहीं है, पूरे देश में लगती है और जेएनके यूटी में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। सेकंड सर, ये हर महीने नहीं देना है, ये साल में एक बार देना होता है। तीसरी चीज, जो भी इससे पैसा आएगा, मान लीजिए एसएमसी का एरिया है तो वो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर है ये उनके अकाउंट में जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है। उसी तरीके से आप सोचिए, मेरे दूर दराज के कुलगांव की अगर मेरी म्युनिसिपल काउंसिल है तो जो वो पैसा जाता है वो उसके अकाउंट में जाएगा। कुलगांव भी मेंटल सेक्रेटरी था उस जिले का, मैंने देखा है वहां पे लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बोलते थे कि साहब ये रोड जो हमें बनाना है या नाली हमें बनानी है तो उसके लिए पैसे की उन्हें कमी होती थी। वहां पे ये जो पैसा जो आएगा वो उसी काउंसिल के अकाउंट में रहेगा और वो वहीं उसी जगह ही इस्तेमाल होने वाला पैसा है, तो एक तरीके से आपकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप ये भी मानोगे कि जैसे ही आपसे यूजर चार्जेस लिए गए डोर टू डोर कलेक्शन के, आप सब लोग इस बात को मानेंगे, ये ओपिनियन नहीं है ये फैक्ट है, जब तक आपसे यूजर चार्जेस नहीं लिए गए थे उससे पहले जो सर्विस थी और जब आपसे यूजर चार्जेस लिए गए उसके बाद जो सर्विस हुई है, आप खुद उस बात को मानेंगे कि यूजर चार्ज देने के बाद एक तो जो हमारा नागरिक है उसमें जागृति आती है, वो एनलाइटेंड होता है कि नहीं भाई मुझे इसको जो है, मैं आपको यूजर चार्जेस दे रहा हूँ साहब, मुझे तो आपको, मेरे पास गाड़ी नहीं आई एक भी दिन तो आप कहते हो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं आ रही है कि नहीं, तो इसे एक जागृति आती है। और जहां तक रहा जेएनके के कंटेस्ट में, 1000 square feet तक की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा नंबर वन ये तो आपको पता ही है केवल अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे बाहर है। तीसरा, जो 1000 square feet तक का जिसके पास अपना मकान है वो इससे बाहर है। लगभग एक तिहाई से ज्यादा जो हमारे हैं वो इससे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो आप देखोगे, अगर मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपए देना होता है श्रीनगर म्युनिसिपल काउंसिल में, कॉरपोरेशन में, तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपए होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर कमिटी होगा तो केवल 50 रुपए होगा। तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है, जो बेचारा अभी गरीब है अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 square feet तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया, इसके फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप
ये मिथ्या दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6,000 ले लेगा, 10,000 ले लेगा, 15,000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है। साल में है, जेएनके में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है पैसा, लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए, उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा। जो काउंसलर रहेगा जिस एरिया से एक बार कमेटी में पैसा आएगा तो वो उतना ही उससे अच्छा काम कर सकता है। और जो हमारे रेट हैं वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। अगर मैं इसमें सिर्फ श्रीनगर कॉरपोरेशन, इसमें क्योंकि कुछ एरिया आप जानते हैं श्रीनगर में भी कुछ पॉश एरिया है, किसी किसी के सर्कल रेट बहुत हाई होते हैं, किसी के सर्कल रेट बहुत कम होते हैं। तो एक रेजिडेंशियल एरिया जो है मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है तो वो 100 रुपए से लेके 1150 रुपए तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए कैलकुलेटर डिजाइन किया जा रहा है जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार उसे देख सकते हैं। तो कर दिया है सर, है ना, उसको कर दिया है। बाकी इसके बारे में कुछ ये आपने कुछ जो बताना चाहें ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर दें, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर जो भी आप लोग पहले एक बार इनको। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि सर ने बड़ी इसको सरल तरीके से समझाया है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी 21 तारीख को नोटिफाई हुआ है जेएनके में इसको लागू किया गया। दो तीन पॉइंट सर, आई मे बी दे वुड बी बिट ऑफ रिपीटेशन आल्सो। सबसे पहले कि जब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये गरीब पे कम और जिस तरीके की इनकम होती है, जिस तरीके की एसेट्स इंसान के पास होती है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। हमारे जनरली जब हम बेसिक टैक्सेस की बात करते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे हम जीएसटी देते हैं या सेल्स टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन है, ये पेन अगर 20 रुपए का है, इसमें अगर 2 रुपए का टैक्स है, ये 2 रुपए गरीब को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपए अमीर को भी देने पड़ते हैं, ये 2 रुपए किसी मिडिल इनकम वाले बंदे को भी देने पड़ते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स में एक जो सिंपल एग्जांपल हम जानते हैं दैट इज इनकम टैक्स, कि जितनी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्लैब कम है, इंसान की गरीब आदमी है उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिसकी कम एसेट्स हैं, जिसकी कम प्रॉपर्टी है वो या तो एग्जम्प्टेड होता है या बहुत कम रेट होती है। और जो ही आपकी जो एसेट्स का साइज, एसेट्स का क्वांटम बढ़ता है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसलिए ये प्रोग्रेसिव होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी इसको माना जाता है कि जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, देश में बड़े एसेट वाले जो हमारे होल्डर्स होते हैं उनका टैक्स गरीब के लिए, उस गरीब के आसपास की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो सर ने भी अच्छे से समझाया है। दूसरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो ये अहम है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जीएसटी अभी इकट्ठा होता है तो ये कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। फिर वहां से थ्रू फाइनेंशियल जो जिस तरीके से बजटिंग होती है, फाइनेंशियल बिल्स होती है, उसके हिसाब से एलोकेट होता है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स अर्बन लोकल बॉडी अपने एरिया में खुद इकट्ठा करती है और इसके बाद इसको खर्चा करने का भी अधिकार उसी अर्बन लोकल बॉडी को होता है। इसका मतलब श्रीनगर में जो भी इकट्ठा होगा वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही अकाउंट में जाएगा और इसका खर्चा, इसको किस तरीके से खर्च करना है, इसको किस तरीके से जो है स्पेंड करना है, कौन सी डेवलपमेंट कामों में करना है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओनली। इसी तरीके से छोटी कोई म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कमिटी है, वहां पे जो इसमें कलेक्ट होता है दैट वुड अगेन, इट विल नॉट गो टू गवर्नमेंट, ये यूटी गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, ना ही एक यूएलबी से दूसरे यूएलबी में जाएगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी टैक्स श्रीनगर में इकट्ठा होगा ये जम्मू में स्पेंड नहीं होगा, ये अनंतनाग की म्युनिसिपल कमेटी में स्पेंड नहीं होगा। इसी तरीके से जो अनंतनाग म्युनिसिपल टाउन में म्युनिसिपल कमेटी जो इकट्ठा करेगी, म्युनिसिपल काउंसिल जो इकट्ठा करेगी, वो सिर्फ अनंतनाग में ही खर्चा होगा। इससे क्या होता है कि लोकल जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, उनका रिसोर्स बढ़ता है और इन्हीं कामों से, इन्हीं इसी पैसे से फिर वो लोकली अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अभी
अगर हम श्रीनगर की बात करें, हम लोग हार्डली 10-12% अपने खर्चे को इकट्ठा कर पाते हैं थ्रू आर रिसोर्सेज, थ्रू आर डिफरेंट मींस। बट जब खर्चे की बात करते हैं, चाहे हमें सैनिटेशन की बात हो, सैनिटेशन वर्कर्स को लगाने की बात हो, गाड़ियों को लगाने की बात हो, ब्रूम्स की बात हो, यूनिफॉर्म की बात हो, इसी तरीके से विंटर में स्नो क्लियर करना है, स्नो क्लियरेंस के मशीनरी की का खर्चा हो, फ्यूल का खर्चा हो, हमारे स्टाफ का खर्चा हो, कहीं ड्रेन्स बनानी है, कहीं इस समय हम लोगों ने रिसेंटली श्रीनगर में एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था सर, लगभग हमारे यहाँ अभी 1000 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है और 1500-1600 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क की और जरूरत है सर। पिछले साल जो 74th अमेंडमेंट में हमारे यहाँ जो है श्रीनगर के रोड्स ट्रांसफर हुए हैं, लगभग हमारे पास 2200 किलोमीटर ऐसे रोड्स हैं जिन पे मैग्नमाइज करने की जरूरत होती है, जिनको जिनको जो मोटरेबल जरूरत है। पूरे अगर हम गलियों की ही बात करें, लगभग हमारे पास 7000-7500 लेन्स बाई लेन्स है शहर में। तो जो ये पैसा है, जो भी ये रिसोर्स है, ये इसी काम में, इसी पब्लिक सर्विस के लिए यूज होगा। बाकी भी अक्रॉस द कंट्री जितनी भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, चाहे बड़े को अगर हम बीएमसी या अहमदाबाद या बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को भी छोटे, जो छोटी छोटी या हमारी जो लेवल की या हमारे टाइप की इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली जो हमारी इक्वली सिमिलरली प्लेस्ड सिटीज हैं या टाउन्स हैं, वहां पे भी सबसे बड़ा मेजर जो एक इनकम का सोर्स होता है वो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और एक जो बहुत अहम जो J&K में जो प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफाई हुआ है, इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि जो एक मॉडल है इज अ वेरी सिंपल मॉडल, दूसरा इसमें जो रेट्स लगाई गई हैं वो बेहद ही कम रेट्स हैं, काफी लो रेट्स पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे सर ने भी अभी बताया, इसमें जो हमारे गरीब तबका होता है जिसमें अक्सर 1000 स्क्वायर फीट से कम जो एरिया होता है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके बाद चाहे 1000 से 1500 है, 1500 से 2000 है, उन सब की भी स्लैब्स बनाई गई है। स्लैब्स इस तरीके से बनाई गई है कि वो मॉडरेटली इंक्रीज होता है, एकदम से जंप नहीं करता है। दूसरा, जब हम ये इनफैक्ट आज जो हमने ये मीटिंग रखी थी, इसीलिए रखी थी कि हमने एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी बना के रखी है कि ताकि हम सबको के साथ डिस्कस भी करें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कितना आसान है कैलकुलेट करना। और कोई कहता है कि जी मेरा 5 लाख लग रहा है, 4 लाख लग रहा है, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने आज पेन और पेपर भी सर यहाँ पे रखे हुए हैं कि इसके बाद वी विल डू दिस एक्सरसाइज, जैसे हम लोग 8th-9th में मैथ का क्वेश्चन करते थे, इसी तरीके से ये करेंगे कि ये जो हमारा कैलकुलेट जब हम करते हैं जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन से एक वैल्यू आता है जिसको हम टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कहते हैं। उस टैक्सेबल एनुअल वैल्यू का 5% रेजिडेंशियल पे है और 6% जो नॉन रेजिडेंशियल पे है। कैलकुलेट करने की प्रोसेस भी बड़ी सिंपल है। इसका एक बेसिक वैल्यू जिसपे एंकर किया गया है वो हमारी सर्कल रेट है। सर्कल रेट जो हर साल जो नोटिफाई होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, बोथ कमर्शियल रेजिडेंशियल के बेसिस पे, उस सर्कल रेट से या उस स्टैम्प ड्यूटी रेट से हम एक लैंड वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह का 60 लाख रुपए है सर्कल रेट, उसमें से हम 6 लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 1 करोड़ है सर्कल रेट तो हम 10 ले लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 5 लाख है सर्कल रेट तो 0.5 इज द लैंड वैल्यू फैक्टर जो हम लेते हैं। उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग फैक्टर्स से, जिसमें एक यूजेज फैक्टर है, ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, किस तरीके का कमर्शियल है, ये इसका एज फैक्टर एक और फैक्टर है कि जितनी पुरानी बिल्डिंग है उतना उस पर कम जो है टैक्स लगता है, उस तरीके से वो फैक्टर रखा गया है। एक फ्लोर फैक्टर रखा गया है कि फ्लोर वाइज किस तरीके से, जैसे फ्लोर फैक्टर अगर कमर्शियल में ग्राउंड फ्लोर पे 1 लगता है, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे 0.9 लगता है, सेकंड फ्लोर पे 0.8 लगता है, कि जितना ऊपर के फ्लोर्स होते हैं उनमें ये रेट ऑटोमेटिकली और कम चली जाती है। एज के बेसिस पे जैसे अभी बता दिया, एक और फैक्टर है कंस्ट्रक्शन टाइप का फैक्टर, कि अगर एक RCC स्ट्रक्चर है तो उस पर मैक्सिमम फैक्टर 1 है, अगर नॉर्मल हमारा लोड बेयरिंग दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे कम है, कच्चा है तो और भी कम उस पे लगता है। तो बड़े सिंपल आसान तरीके से आसान मॉडल के साथ ये बनाया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव आज इस प्रोग्राम में हम लोग एक डिस्कशन में डिटेल में ये चीज समझाएंगे भी, और वन थिंग दैट वी वांट टू डू इज हम हमारे सभी साथियों को आज एक पेन और पेपर भी देना चाह रहे हैं ताकि वो खुद कैलकुलेट करें, क्योंकि काफी सारे लोग अफवाहें फैलाते हैं कि बड़ा एक
एकदम से दिस इज समथिंग डिस्प्रोपोर्शनल, वो चीज तभी खंडित हो जाती है जब आप खुद कैलकुलेट करते हैं। हम लोग कल जैसे दो तीन एग्जाम्पल में देना चाहूंगा, यहाँ लाल चौक हमारा सबसे प्राइम एरिया है, अगर लाल चौक में आपकी लगभग 3,300 स्क्वायर फीट की दुकान है जो अच्छी खासी दुकान है, उसका साल का ये लगभग 2200-2300 रुपए बनता है, समथिंग अराउंड दैट। इसी तरीके से अगर आपका राजबाग में है, एक कनाल की ये है, तो उसपे भी आप देख सकते हैं 2000-2500 इसी के अराउंड ये बनता है। ये सभी कैलकुलेशंस भी हमने जो है अपने रखी भी है। इस समय हम लोगों ने ट्विटर हैंडल वगैरह पे भी एक बेसिक कैलकुलेटर भी शेयर किया है, जिसमें आप अपनी अपनी ये डेटा डाल के खुद देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स कितना बनता है। बहुत ही कम जो है अमाउंट ये बनता है, इसमें सभी प्रोविजंस रखी गई हैं जिससे ये ज्यादा प्रोग्रेसिव बने। इसमें ये भी है कि अगर टाइमली पे किया जाता है तो उसमें 10% का एग्जेम्पशन भी होता है। सो कुल मिलाके आई थिंक इन कंक्लूजन बिफोर वी प्रोसीड फॉर द फर्दर प्रोग्राम, वी वॉन्ट टू ड्राइव दिस पॉइंट कि किसी भी तरीके से अफवाहों का, किसी भी तरीके से जो अनसबस्टेंशिएटेड क्लेम्स पे उनपे जो है बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ये SOB पढ़ सकते हैं, इसके साथ जो एनेक्सर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं खुद, जहां अपने घर का भी, अपने प्रॉपर्टीज का भी, जहां पे भी आप रहते हैं आप खुद अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप ये खुद ही समझ पाएंगे कि ये किसी भी तरीके से इट इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, इट इज ओनली समथिंग जो बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इससे जो भी रिसोर्स, जो भी इसमें वट एवर कलेक्शन हैपन्स, जो भी इसमें से फंड इकट्ठा होंगे, दोज विल बी यूज बाय द लोकल बॉडी फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज फॉर इट्स सिटीजन्स। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? या प्लीज। You are saying that poors are exempted because houses square feet से ज़्यादा जिनका होगा उन्हीं पे levy किया जाएगा tax. But Kashmir में everyone has more than houses square foot ज़मीन. गरीब से गरीब के पास भी 4 मरले 5 मरले है ही है. So how can we say poor are exempted? जी सर, दो चीजें, जब हम 1,000 स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो हम 1,000 स्क्वायर फीट एरिया लैंड की बात नहीं करते, वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्ट अप एरिया। तो इनफैक्ट अगर आप हमारे श्रीनगर की ही बात करते हैं, डाउनटाउन के आप अक्सर एरियाज को देखते हैं, हमारा लार्ज प्रोपोर्शन जो एक गरीब तबका है दे फॉल विद इन दिस 1,000 स्क्वायर फीट ब्रैकेट। इनफैक्ट इसका भी एक लॉजिक है कि 1,000 स्क्वायर फीट ही क्यों, कि जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना के देखते हैं, जब हम लो इनकम ग्रुप में हाउसिंग का डेफिनेशन देखते हैं, सो उसमें दिस हैज बीन डन कीपिंग दैट थिंग्स और दोज थिंग्स आल्सो इन माइंड। दूसरी चीज, जब 1,000 स्क्वायर फीट से आगे का है, उसके बाद का मतलब ये नहीं हो कि किसी का अगर 1,100 या 1,500 स्क्वायर फीट है तो उसका एकदम से बहुत ज्यादा है, उसका भी जो प्रॉपर्टी टैक्स मान लीजिए 1,000, दैट इज अगेन वेरी नॉमिनल, दैट्स अगेन वेरी मिनिमल। सर ये बताइए कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इलेक्टेड बॉडी है कॉर्पोरेटर्स की, एंड थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया दे हैव रिजेक्टेड इट, विल SMC विल गो अहेड एंड इम्पोज इट? सबसे पहले क्योंकि अगर आप ये SO पढ़ेंगे, इस SO में देयर इज अ रेफरेंस टू सेक्शन 143A ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें द गवर्नमेंट हैज द पावर्स एंड अथॉरिटी पावर्स टू इम्प्लीमेंट एंड इशू दिस ऑर्डर, जिसको इशू किया गया है, एंड इट इज क्लियरली रिटन इन द ऑर्डर दैट दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1st April 2023, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद दैट टाइमलाइन, विद दैट डायरेक्शन एज द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इशूड। As far as the fact is concerned, again, कि अगर ये order अगर government ने issue किया हुआ है, but this has been issued for the empowerment, for the improvement of the municipal bodies, मुझे लगता है सबसे बड़ा beneficiary इसका municipal corporation ही होगा। इससे जो भी funds, whatever, it's again at the cost of repetition, whatever the taxes will be collected, that will be with the in the account of municipal corporation only, और हमारी municipal corporation ही डिसाइड करेगी उन फंड्स को किस तरीके से कैसे स्पेंड करना है। सीनियर सिटीजन्स आर डिसेबल्ड पर्सन्स प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ व्हिच ऑफर्स टैक्स रिलीफ टू प्रॉपर्टी ओनर्स, क्या वो यूटी में भी?
इसमें भी कई तरह के जो एग्जेम्पशंस हमारे, फॉर एग्जांपल अगर आप जो एक्ट भी देखेंगे उसमें भी कई सारी प्रोविजंस में वो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं. दोज एग्जेम्प सिमिलरली जो रूल्स भी फ्रेम किए गए हैं उन रूल्स में भी वो एग्जेम्पशंस, काफी सारे एग्जेम्पशंस आर ऑलरेडी देयर. दोज एग्जेम्पशंस वुड बी टेकन केयर ऑफ. यस, जिस तरीके से अभी सर ने भी बताया कि जिस भी रेजिडेंशियल विच इज लेस देन 1000 स्क्वायर फीट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, उनपे कोई भी इसमें जो बेसिस है प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन का दैट इज द बिल्ट अप एरिया. तो इसमें द कैटेगरी ऑफ द पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट वुड बी द बिल्ट अप एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी टैक्स है ना, प्रॉपर्टी इज द बेस. सर आपने अभी बताया जो एक टैक्स जो भी देगा प्रॉपर्टी टैक्स वो एलिजिबल टू दे, तो वो टैक्स का पैसा यहाँ के जो डेवलपमेंटल वर्क्स है उसमें लगेगा. सर जहाँ हम एक्सपर्ट्स की बात, उनका ये कहना है कि जब तक एम्प्लॉयमेंट में बूम नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और यहाँ पे टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है हर किसी. अगर हम खाने की चीजों से अगर हम स्टार्ट करें, सुबह जब उठते हैं चाय पीते हैं दूध से स्टार्ट करें हम, बल्कि शाम के खाने तक हर किसी चीज में जीएसटी है. अब आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मोर देन 20% जहाँ तक मुझे याद है, तो अब कैसे देखते हैं इसको, तो यहाँ की इकोनॉमी सर्वाइव करेगी जम्मू कश्मीर की स्पेशली इन मोमेंट. देखिये इसमें दो तीन चीजें साफ साफ है. नंबर वन आप ये बताइए, जैसा भी कमिश्नर साहब ने बताया आपको, अगर म्यूनिसपैलिटी 100 रुपए का खर्चा है इसका, तो इसकी इनकम कितनी है? जिन्होंने कहा 10 रुपए. आता हूँ मैं इस पर. तो जो आप सैनिटेशन फी और जितने भी जो फी लगा के जो इनकम है कॉरपोरेशन की वो 10 रुपए है, अगर खर्चा 100 रुपए है. तो फिर आप क्या करते हो कि जब आपको अच्छी सर्विसेज देनी है, जैसे आपको कहा कि अब आपको रोड ट्रांसफर हो गए हैं, फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई थोड़ा इनकम अपनी बढ़ाई जाए, ये सोचेंगे आप? क्योंकि जब आपको अच्छी सर्विसेज देनी है तो आपको इनकम भी चाहिए, उसके लिए पैसे भी चाहिए. इफ नॉट प्रॉपर्टी टैक्स देन व्हाट एल्स? ओके, बिकॉज इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं इमीडिएटली जो वाइडली एक्सेप्टेड है. यही नहीं, पूरे देश में दिया जाता है. और मैं एक चीज और बताता हूं, हम तो फार्मर इनकम की बात कर ले, हम देश में टॉप 5 में आते हैं, तीसरे या चौथे पे आते हैं पर कैपिटा फार्मर इनकम की बात करें. आप हमारे बाकी जो डाटा उठा ले, मैं ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ. ओपिनियन में तो आप कह सकते हैं साहब मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक ओपिनियन है, बट मैं डाटा की बात कर रहा हूँ साहब. चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, जहां हमसे कम लोग पैसा कमाते हैं वहां भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और अपने कॉरपोरेशन को देते हैं और उनको उसी से अच्छी सर्विसेज मिलती है. जे एंड के में अभी जो हालात है आप भी जानते हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट पहले कितने थे आज कितने हैं, एप्पल की पैदावार हो केसर हो या पहले कितनी थी और आज कितनी है. ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि पहले से बेहतर है, नंबर ऑफ टूरिस्ट पहले से ज्यादा अच्छे हैं, लोग अच्छे पहले से कमा रहे नहीं कमा रहे, ये आपके ऊपर है. सर ये बताइए, प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड जो बना था इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2013 एंड बोथ द हाउसेस इंस्टीट्यूट असेंबली एंड काउंसिल पास्ड दैट रेजोल्यूशन, हैज गवर्नमेंट पिक्ड अप थिंग्स फ्रॉम देयर और दिस प्रोसेस दिस नोटिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट वाज रीस्टार्टेड आफ्टर 2019? देखिए इसमें जो अनेबलिंग पावर है जो अमेंडमेंट किया गया था वो आपको पता है ईयर 2020 में एक अनेबलिंग प्रोविजन जो इसमें लाया गया था जिसको इन्वोक करके ये इसमें कानून को लाया गया है. ठीक, जिसमें इसको लेके आए हैं और ये जो प्रोविजन है ये देश की पार्लियामेंट ने उसमें इंक्लूड कराए हैं. तो कोई ये कहे कि भाई इसमें कोई मतलब अनऑथराइजली विदाउट पावर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया हो, आज की डेट में जे एंड के में भी आप भी अच्छे से जानते हैं एक्सेप्ट असेंबली, बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो तो ऑलरेडी है ही नीचे, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल हो
कमेटी हो, पंचायत हो या ऊपर ऑनरेबल एमपीज जो होते हैं वो भी है, तो ये ड्यू प्रोसेस के थ्रू ही लाएगा। कोई ऐसा होता है बंदा जिसको वरासत में प्रॉपर्टी मिली होती है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, फादर की डेथ हो गई उसकी प्रॉपर्टी थी तो अब वो उसमें रहता है, लेकिन खुद अनएम्प्लॉय है वो शख्स, तो कैसे टैक्स आप वसूल करेंगे? सर देखिए, जब आप कोई भी कानून बनाते हैं ना तो आप एक एक इंडिविजुअल केसेस को उस तरह से छांट के नहीं कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, जब मैं प्रॉपर्टी टैक्स बनाता हूँ तो प्रॉपर्टी को माइंड में रख के बनाया जाता है, ओके, कि उसके पास कितनी है, और एक व्यक्ति उसी हिसाब से जब एक घर में रह रहा है उसके पास इतना है, मान लो उसके पास कमर्शियल शॉप है या उसके पास एक कोठी है एक कनाल की, और वो फिर क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी तो आपको करना है ना, जब आपको तो आपको बहुत ज्यादा उसमें सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं ला सकते हैं कि अगर एक बंदा होगा उसके साथ ये होगा, फिर कोई कहेगा नहीं नहीं उसके पास, मान लो उसके पास और कर्जा हुआ तो साहब वो कैसे करेगा, तो आपको इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से भी ऐसे ही लाना होता है कि जो एक फेयर एंड तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।